तो आखिरकार दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने एक बार फिर से जो अपनी ब्याज दरें हैं उनमें बदलाव किया है। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन दोस्तों एक स्पेशल एफडी प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है जी 444 डेज के लिए। तो क्या है उस प्लान की पूरी डिटेल्स और उस प्लान पे मिलने वाली ब्याज दरों के हिसाब से आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन की हुई है। मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट एक बार दिखा देता हूं। देखिए इंटरेस्ट रेट का जो वेब पेज है वो हमारे सामने खुल चुका है। मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। 18/5/2023 से जो ब्याज दरें रिवाइज हो चुकी हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 444 डेज प्लान के बारे में, तो इस प्लान में जर्नल पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जी, वो कितना है, 7.25%। इसके अलावा अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%, उसी तरह से सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.05%। मतलब कि आपको जो 666 डेज जो प्लान है उसके ऊपर जो ब्याज दरें मिलती थी वो अब एप्लीकेबल है 444 डेज प्लान के लिए। तो अब आपने जो ब्याज दरें हैं वो तो जान ली, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एफडी कैलकुलेटर पहले ओपन करता हूँ, फिर कैलकुलेशन करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, एफडी कैलकुलेटर हमने ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 लाख से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.25%, और टाइम पीरियड है जी 444 डेज के लिए। तो देखिए जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या हुआ, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी बन के आ गई, 109,133 रुपीज, यानी के 9,133 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से 1 लाख के ऊपर अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो 7.75% के हिसाब से देखिए दोस्तों क्या होगा जी, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 109,787 रुपीज। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की, तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के ऊपर देखिए 8.05% के हिसाब से कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी जी 110,180 रुपीज, यानी के 10,180 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। तो ये तो रही बात 1 लाख की। तो मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख की, तो देखिए मैं 2 लाख फिल करूंगा जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पे सबसे पहले 7.25%, 444 डेज के लिए। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, देखिए आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन गई 2 लाख के ऊपर वो कितनी है, 2,18,267 रुपीज, यानी कि आपको 18,267 रुपीज ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर हम बात करें देखिए सीनियर सिटीजन्स की, तो 7.75% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या हुआ जी, आपकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी बन के आ गई, 2,19,574 रुपीज, यानी कि आपको 19,574 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं जी सुपर सीनियर सिटीजन्स की, 8.05% के हिसाब से। तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं जी, क्या हुआ, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन के आ गई वो कितनी है जी, 2,20,361 रुपीज, यानी के 20,361 रुपये जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 3 लाख की, तो मैं 3 लाख फिल करता हूं जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.25%, टाइम पीरियड 444 डेज के लिए। तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन गई वो कितनी है, 3,27,400 रुपीज, यानी कि आपको 27,400 रुपए जो है
वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे जनरल पे 3 लाख के ऊपर। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, तो 7.75% के हिसाब से देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी होगी, 3,29,361 रुपीज, यानी के 29,361 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं जी 5 लाख की, तो मैं 5 लाख फिल करूंगा जी। देखिए 5 लाख फिल करने के बाद 7.25% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा जी, 5 लाख के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5,45,667 रुपीज, यानी के 45,667 रुपीज जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे 444 डेज के ऊपर। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, 7.75% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूं जी, तो देखिए क्या होगा जी, 5,48,935 रुपीज, यानी के 48,935 रुपीज आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए 8.05% के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5,50,903 रुपीज, यानी कि आपको 50,903 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जी 7 लाख की, तो मैं 7 लाख पहले फिल करूंगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.25%, तो कितनी वैल्यू बनेगी, 7,63,934 रुपीज, यानी के 63,934 रुपीज ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन के ऊपर देखिए दोस्तों क्या होगा जी, 7,68,509 रुपीज मिलेंगे, यानी कि आपको ब्याज के रूप में 68,509 रुपीज मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन के ऊपर देखिए कितने मिलेंगे जी, सीनियर सिटीजन के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7,71,264 रुपीज, यानी कि आपको 71,264 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो लास्ट में बात करते हैं जी 10 लाख की, तो मैं 10 लाख फिल करता हूं जी। देखिए क्या होगा, 10 लाख के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी 444 डेज के लिए वो देखिए कितनी होगी, 10,91,335 रुपीज, यानी 91,335 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें 7.75% के हिसाब से, तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं जी क्या हुआ, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन गई वो है जी 10,97,870 रुपीज, यानी कि 97,870 रुपए जो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो देखिए क्या होगा जी, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो हो जाएगी 11,01,806 रुपीज, यानी कि आपको 1,01,806 रुपए जो है वो मेच्योरिटी के रूप में या ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये समझा कि जो नई ब्याज दरें हैं पंजाब नेशनल बैंक की, उसमें जो एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है 444 डेज के लिए, उसके ऊपर आपको कितना ब्याज मिल रहा है और कितनी तय सीमा के लिए आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी कितने पैसे के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही।